ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आमिर खान और किरण राव फिल्म लापता लेडीज के प्रमोशन में जुटे हैं। इसी सिलसिले में आमिर टीवी 9 के व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि वो आज के दौर में विवादों से कैसे डील करते हैं। इसके अलावा आमिर ने उस वाकये पर भी प्रतिक्रिया की जिसमें कहा गया था कि शाहरुख खान ने कतर से 8 पूर्व नौसैनिकों को छुड़वाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की। हालांकि बाद में शाहरुख ने खुद साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। इवेंट में आमिर खान से पूछा गया कि आज के समय में वो विवादों से कैसे डील करते हैं, तो आमिर ने हंसते हुए कहा, इन सब से मैं चुप रहकर डील करता हूं। जैसे आपने मुझसे ये सवाल पूछा, तो इस सवाल पर मुझे चुप रह जाना चाहिए क्योंकि अभी मेरी फिल्म आ रही है और मैं इन सब चीजों से दूर ही रहता हूं। आजकल ये बहुत मुश्किल हो गया है कि आप कंट्रोवर्सी के बगैर जिंदगी जिए, बस उसी कोशिश में मैं लगा हुआ हूं। आमिर खान के पुराने बयानों की वजह से उनकी फिल्मों को बॉयकॉट किया जाता रहा है। उनकी पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ भी यही हुआ। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि बॉयकॉट की वजह से उनकी फिल्म पिट गई। पिछले दिनों ऐसी खबरें आई कि शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करते हुए कतर से 8 पूर्व नौ सैनिकों को छुड़वाया। हालांकि बाद में शाहरुख की टीम ने बताया कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। इस वाकये से जोड़ते हुए आमिर से पूछा गया कि क्या ऐसा उनके साथ कभी हुआ है। इस पर आमिर कहते हैं, कई दफा सरकार या सरकारें सोशल मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए अप्रोच करती हैं, उसके लिए मैं हमेशा हाजिर रहता हूं। जिस तरह की भी मदद होती है उसके लिए मैं तैयार रहता हूं। इससे पहले आमिर ने एक इवेंट में एक और दिलचस्प बात बताई थी। उन्होंने किरण से पूछा कि बतौर पति वो खुद में क्या सुधार कर सकते हैं। इस पर किरण ने उन्हें बड़ा मजेदार जवाब दिया। आमिर ने कहा था, एक मजेदार चीज है, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों का डाइवोर्स अभी हुआ है। एक दिन शाम को मैं बैठा हुआ था, मैंने बोला, किरण, एक पति के रूप में मुझ में क्या कमी थी, मैं अपने आप में क्या सुधार कर सकता हूं, अभी आगे चल रहा हूँ लाइफ में। आमिर इस बात से जोड़ते हैं। इसके बाद किरण ने कहा, हाँ लिखो और बाकायदा मुझे पॉइंटर्स लिखवाए। आप बहुत बात करते हैं, आप किसी को बात नहीं करने देते, अपने ही पॉइंट्स पर अड़े रहते हैं। कुछ 15-20 पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं। फिल्म लापता लेडीज से 13 साल बाद किरण राव बतौर डायरेक्टर वापसी कर रही हैं। ये फिल्म 1 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। आमिर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। एक्टिंग फ्रंट पर आमिर की पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा थी जो बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई थी। बतौर एक्टर आमिर की अगली फिल्म सितारे ज़मीन पर है। इसके अलावा वो सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 से प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हुए हैं। इसमें आमिर कैमियो भी कर सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए जुड़ाई थी मेरे साथ अविनाश ने। मैं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।